नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मुद्रा, ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संकल्प है। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णानंद लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित है। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। दर्शकों, सभी को जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो सारा की सारा बेस्ड है भूखंड के कटाव पर, यानी कि हमारा जो आज का मुद्दा है वो है भूखंड का कटाव। तो गुरु जी, क्या होता है भूखंड का कटाव? वास्तुशास्त्र और विज्ञान का संयोजन ना केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है, बल्कि यह हमें उन अदृश्य ऊर्जा और प्रभावों को समझने में भी मदद करता है जो हमारे आसपास के वातावरण से उत्पन्न होते हैं। भूखंड का आकार और उसमें मौजूद कटाव, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, उसके नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इस टॉपिक में हम शास्त्रों और विज्ञान के दृष्टिकोण से भूखंड के कटाव के प्रभावों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही हमारे जो विशेष अनुभव हैं उनको आपसे साझा करेंगे। और तो गुरुजी, भूखंड के कटाव का शास्त्रगत और वैज्ञानिक महत्व क्या होता है? देखिए आयुषी जी, वास्तुशास्त्र में भूखंड के विभिन्न दिशाओं में कटाव का विशेष महत्व है। प्रत्येक दिशा की एक विशिष्ट तत्व और ऊर्जा प्रतिनिधित्व करती है और उसका कटाव उस दिशा की ऊर्जा को बाधित कर सकता है। शास्त्रों में दिशा के अनुसार भूखंड के कटाव के प्रभाव और उनके निवारण के उपाय विस्तृत रूप से वर्णित हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण का अगर कटाव है, तो शास्त्रगत महत्व यह है कि उत्तर पूर्व दिशा जल तत्व की होती है और इसे भगवान शिव का स्थान माना गया है। इस दिशा का कटाव अत्यंत अशुभ होता है, जिससे मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर इसमें बात करें, यह दिशा सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा और चुंबकीय प्रवाह को नियंत्रित करती है। इस दिशा का कटाव होने से प्राकृतिक ऊर्जा का प्रभाव बाधित हो जाता है, जिससे मानसिक असंतुलन और समृद्धि में भी कमी आ सकती है। दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण का कटाव की अगर हम बात करें, तो शास्त्रगत महत्व इसका यह है कि दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि तत्व की दिशा है और यह गृहिणी के स्वास्थ्य और रसोई के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिशा के कटाव से घर में आग जैसी दुर्घटनाएं और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण बन सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, इस दिशा में कटाव ऊर्जा के संतुलन को जन्म देता है, जिससे घर में अत्यधिक गर्मी और इलेक्ट्रिकल समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण की, तो इस कोण में कटाव अगर है, तो शास्त्रगत रूप से बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम दिशा स्थिरता और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा का कटाव घर के मुखिया के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव, दुर्घटनाएँ और आर्थिक समस्याएँ भी हो सकती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो यह दिशा चुंबकीय स्थिरता को प्रभावित करती है, जो घर की संरचना और निवासियों की मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालती है।
अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण के कटाव की, तो शास्त्रगत तरीके से इसका महत्व बताया गया है कि उत्तर पश्चिम दिशा वायु तत्व की दिशा है और यह रिश्तों, कानूनी विवादों और सामाजिक संबंधों पर असर डालती है। इस दिशा का कटाव घर में कानूनी समस्याएं, रिश्तों में अस्थिरता और सामाजिक तनाव का कारण बन सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम इसकी बात करें तो इस दिशा का कटाव वायु प्रवाह और संचार में बाधा डालता है, जिससे घर में अस्थिरता और शांति पैदा होती है। यानी कि ये सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं हमारे जीवन पर। गुरुजी, मैं आपका अनुभव जानना चाहती हूँ। आपके अनुभव में आपने कई सारे उदाहरण देखे होंगे, कई सारी ऐसी चीजें देखी होंगी, आप हमारे दर्शकों तक क्या अनुभव साझा करेंगे? देखिए, अगर हम अपने अनुभव की बात करें तो हमें अहमदाबाद जो है, हमारे एक वहाँ क्लाइंट हैं शालिनी पटेल जी और उनके पुत्र सी आयुष पटेल, उनका घर देखने का अवसर हमें अहमदाबाद में मिला जी। इस घर का वायव्य कोण कटा हुआ था, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है। जैसे ही मैंने इस भूखंड का अवलोकन किया, मुझे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बातचीत के दौरान शालिनी जी और आयुष जी ने हमें बताया कि उनके चाचा ने उन पर बहुत खतरनाक कानूनी मुकदमे लगा रखे हैं, जिससे वो बहुत परेशान हैं। वायव्य कोण का कटाव न केवल कानूनी समस्याओं का संकेत देता है, बल्कि घर में रिश्तों में अस्थिरता और तनाव भी उत्पन्न करता है। मैंने तुरंत इस दिशा के दोष को दूर करने के लिए उपाय सुझाए। मैंने वहाँ मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ और खोखली मूर्तियाँ स्थापित करवाईं, जो वास्तु दोष को संतुलित करने में सहायक होती हैं। इसके अलावा मैंने कुछ अन्य विशेष वास्तु उपाय भी किए, जिनसे उस क्षेत्र की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया सका। आज 8 वर्ष बाद शालिनी पटेल और उनके परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया है, कानूनी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, आयुष पटेल की शादी हो चुकी है, उनके जुड़वा बच्चे हैं, घर में हर तरफ से खुशहाली और समृद्धि है। यह अनुभव न केवल वास्तुशास्त्र की प्रभावशीलता को प्रमाणित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शास्त्रीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सही समन्वय हमारे जीवन में स्थिरता और शांति ला सकता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि जितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है, उतना ही शास्त्रीय दृष्टिकोण भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। भूखंड का कटाव भी हमारे जीवन में उतना ही मायने रखता है जितना कि भूखंड का चुनाव मायने रखता है। तो दर्शकों, आगे हम गुरुजी से जानते हैं कि गुरुजी, निष्कर्ष अगर हम निकाल रहे हैं इन सभी चीज़ों का, तो निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा? देखिए, भूखंड के कटाव का शास्त्रगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर दिशा का अपना विशेष महत्व है और उनका कटाव विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। सही दिशा निर्देश का पालन और उचित निवारण के उपायों का प्रयोग करके इन दोषों को दूर किया जा सकता है और घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाई जा सकती है। अहमदाबाद में किए गए मेरे अनुभव ने यह साबित किया कि जब वास्तुशास्त्र और विज्ञान का सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो यह जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। तो गुरुजी, ये तो तभी होता होगा जब हम किसी घर को बनवाने के लिए भू का चुनाव करते हैं। कब हम भूखंड का कटाव हम देखते हैं? दो तीन तरीके से है आयुषी जी, जैसे कि एक तो है भूमि, जैसे हम भूमि ले रहे हैं, जब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम भूमि ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके कटावों पे भी हम लोग वो कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल समय ऐसा है कि आपको ना तो बिल्कुल आयताकार ना आपको वर्गाकार एक प्लॉट मिल सकता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना कटा हुआ हो सकता है। या तो उसको गुनिया मतलब उसको चौकोर या आयताकार बनाया जाए, और नहीं बना सकते हैं तो उस कटाव के जो उपाय हैं वो जरूर किए जाने चाहिए। अब जैसे एक तो है भूखंड का आप कटाव वो है कर सकते हैं, परंतु अगर यही मकान अगर घर मिल जाए बाद में, अब तोड़ के तो बनाया नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो भूखंड के कटाव की वजह से घर में भी दोष उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अगर हम देवता वास्तु के अनुसार अगर बात करें तो हर जैसे 32 पदीय अगर उसकी बात करें हम देवता वास्तु की, तो हम लोग कहते हैं कि हर दिशा में 8 भाग होते हैं, उन 8 भागों में हर उसमें 8 देवता जो हैं निवास करते हैं। अगर बात ये करें कि हम
अगर इसकी डिग्री वाइज एनालिसिस करें तो हर दिशा के भाग, जैसे हम लोग किसी दिशा को कटा हुआ होते हैं तो हर दिशा के 9 भाग करते हैं जी। और 9 भाग करने के बाद उसमें ये देखा जाता है कि यहाँ कौन सा देवता, जो हर भाग का कोई ना कोई देवता होता है, और उन 9 भागों में कौन से देवता का वो कटा हुआ है, तो उसी देवता की जो परेशानियाँ हैं उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। तो देवता वास्तु के अनुसार भी एक आ गया है। और अगर हम यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के द्वारा भी अगर इसकी जांच करते हैं तो भूखंड का कटाव जो है किसी ना किसी एनर्जी को प्रभावित करता है। जैसे अभी हमने वायव्य कोण के कटाव की बात की, तो वायव्य कोण में जो भूमि का कटाव जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो ये अग्नि तत्व का वायव्य कोण, सॉरी आग्नेय कोण जो है, अग्नि कोण जो है वो, अगर हम लोग बात करें अग्नि कोण की, तो अग्नि कोण में अगर कटाव है तो ये कहीं ना कहीं अग्नि की एनर्जी जो है वो उसको संतुलित करती है। अगर इसका कटाव अगर कहीं ना कहीं है तो थोड़ी सी गृहिणियों को दिक्कत आ सकती है, और जो इनका खान पान और पकाना जो है वो कहीं ना कहीं दूषित हो सकता है, क्योंकि एनर्जी प्रॉपर उसमें सर्कुलेट नहीं कर पाएगी। तो भूमि के कटाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर भूमि का कटाव अच्छे उसमें है तो इसका और भी लाभ मिल सकता है, परंतु ज़्यादातर जो भूमि का कटाव है वो नकारात्मक होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि या तो आप अपने मकान को जो बनाएं तो वो गुनिया में बनाएं, अगर नहीं बना सकते हैं तो उस कटाव को उस घर से अलग कर दें, उसमें किसी तरह का 2 भाग करके, एक मुख्य घर और दूसरा वो कटाव, तो उसको आप उसमें सम्मिलित ना करके उसको एक अलग पार्ट बना सकते हैं। तो गुरुजी ये तो नए घर की बात हो गई, लेकिन कोई व्यक्ति है जो पुराने घर में ही रह रहा है और काफ़ी टाइम से वो समस्याओं को फेस कर रहा है, तब किसी ने बताया कि आपके घर में कटाव की दिक्कत है, तो क्या वो सही हो सकती है? हाँ, हम लोग जो हैं, हमारी जो टीम है वो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर द्वारा उस एनर्जी को स्कैन कर लेती है कि कहाँ पे एनर्जी जो है कम हो रही है। पहले तो हम लोग विकर्ण जो डाल के देख लेते हैं कि कहीं अगर वहाँ की एनर्जी जहाँ कम है वहाँ दूसरे विकर्ण पे, या उस विकर्ण पे जो कोना है उसके दूसरे की बढ़ रही है, या यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा है, तो ऐसे करके जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ कुछ सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से समाप्त हो जाती है। तो अब जो साइंटिफिक वास्तु आई है, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर द्वारा जो वास्तु आई है, वहाँ यही प्रयोग किया जा रहा है कि जो नकारात्मक ऊर्जा जहाँ बन रही है उसको सकारात्मक ऊर्जा बनाने के लिए कोई ना कोई स्रोत उसमें लगा दिया जाता है। तो ये आज के समय में वास्तु का जो स्वरूप है वो बहुत ही अच्छा और सरल हो चुका है, जिससे हर व्यक्ति अपने घर की वास्तु को जो है वो सुधार सकता है। अभी आपने एक जिक्र किया कि वास्तु में नए नए शोध भी हुए हैं, तो क्या क्या नए नए शोध हुए हैं सर? नए शोध हम आपको बताएं कि पहले ये था कि पहले देवता वास्तु को ही प्रेफर किया जाता था। अब जैसे अभी मैं इस घर की ही इस कमरे में, अगर हम इस प्रांगण में अगर बैठे हैं, अगर इस प्रांगण के भी अगर हमें इसका सही करना हो, तो मैं, मेरे सामने यह है कि इसकी 4 दिशाएं हैं, इसके 4 कोण हैं और आकाश और पाताल है। अब मुझे इसकी एनर्जी जो है वो करनी है, तो मैं ये देखूंगा कि ईशान कोण में कितनी एनर्जी है, उसके अलावा जो ईशान कोण है वो नैऋत्य कोण में कितनी एनर्जी है, तो दोनों को संतुलन मुझे करना होगा। तो मैं सीधे ही यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से एनर्जी को स्कैन कर लूँगा। जहाँ अब जैसे अग्नि कोण में और वायव्य कोण में कितनी कितनी एनर्जी है, तो जहाँ कम एनर्जी है वहाँ हम लोग स्रोत लगा देते हैं अच्छी एनर्जी। और जहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे आपसे परे एक एनर्जी भले पॉजिटिव हो वो भी आपके लिए बेकार, और आपसे मतलब परे कोई नेगेटिव एनर्जी वो भी आपके लिए बेकार, तो जो आपकी एनर्जी के अनुरूप नहीं है वो एनर्जी सारी बेकार है, भले ही वो अच्छी हो या बुरी। हाँ, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो घर के सदस्य हैं, आजकल हम ये भी करते हैं कि जो घर के सदस्य हैं उनकी सबकी कुंडलियाँ हम अपने पास रखते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस के अनुसार हम लोग ये देख लेते हैं कि इनको किस तरह के घर का जो है स्वरूप इनको फायदेमंद रहेगा, या इस घर में कौन सा कमरा इनके लिए जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे उनकी तरक्की और समृद्धि में मतलब सहायक रहेगा। तो और या हम लोग अब नई जो टेक्निक आई है वो कलर थेरेपी की आई है। हर दिशा का एक कलर है, अगर दिशा का कलर अगर हम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर मैंने अगर यहाँ पीले रंग का कपड़ा पहना है तो गुरु है। जैसे हम लोग अगर आयुषी जी बात करें तो जैसे पुखराज, जैसे मैंने अभी पहन रखा है खूनी नीलम, तो पुखराज और नीलम दोनों को इंग्लिश में बताया जाए तो इनको सफायर बोला जाता है, परंतु सफायर होने के बाद एक तो है पीला और एक है नीला, ये एक ही पत्थर है, उसके बीच का जो अंश होता है उसको हम लोग खूनी नीलम बोलते हैं, जिसमें नीला और पीला मिक्स होते हैं। तो जो पीला रंग का जो वो है पुखराज, वो गुरु को
संभालता है या गुरु के उपाय के लिए है, और जो नीले कलर का जो पत्थर है वो शनि के उपाय के लिए। तो हम आपको ये कहने वाले हैं कि देखिए है केमिकल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, परंतु जो इनकी रेफरेंस इंडेक्स है या उनका कलर है उसकी वजह से जो पीले रंग का जो पत्थर है वो गुरु के लिए हो गया और जो नीले रंग का है वो शनि के लिए हो गया। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ये माथा एक है, माथे पे अगर लाल तिलक लगा दिया जाए तो ये वैदिक है, और अगर इस पर काला लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं अघोई है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं आने वाले समय में कलर थेरेपी जो है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, ठीक है। अगर आप डॉक्टर का भी अगर देखें तो डॉक्टर हरा पर्दा लगाता है, ठीक है, वो लाल क्यों नहीं लगाता, है ना। कहीं ना कहीं वो एक कलर थेरेपी है जिसकी वजह से कहीं एक वास्तु या लोगों का जो सोच है या लोगों के जो समृद्धि है वो कलर थेरेपी से भी बदली जा सकती है। तो दर्शकों, जाना आपने कि वास्तु हमारे जीवन में कितनी सहायक सिद्ध हो सकती है, साथ ही साथ भूखंड का कटाव कितना इम्पोर्टेंट है। यदि आपके घर में कहीं कटाव है, भूखंड में कहीं कटाव है, तो वो कितना फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन समस्त जानकारियों के लिए। सभी दर्शकों, आपका स्वागत है। जय श्री राम, हारे के सहारे की जय। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे किसी और खास चर्चा में, खास मुद्दे के साथ। नमस्कार।